आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजोर, आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज दुर्गाष्टमी है और कल नवमी, इसलिए हमने आज बनाया है अष्टमी नवमी प्रसाद हलवा और चना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कप चना लिया और इसे अच्छे से वॉश कर पूरी रात के लिए भिगो दिया। अब इसे सुबह में हम बनाएंगे। देखिए चना हमारा फूल चुका है। अब इसे एक पानी से और वॉश करके हम कुकर में डालकर उबाल लेंगे। चने में पानी उतना ही डालेंगे कि चना उसमें डूब जाए और 3 सीटी आने तक ही उबालेंगे। तीन सीटी लगने के बाद हम कुकर को उतार देंगे और एक पैन रखेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरा को चटकने देंगे। इधर एक टमाटर और 2 हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम पैन में टमाटर का पेस्ट डालकर फ्राई कर लेंगे। टमाटर का पानी सूखने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और मसालों को हम तेल छोड़ने तक फ्राई कर लेंगे। मसाले में से तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। हमने होममेड गरम मसाला डाला है, इसकी खुशबू बहुत ही तेज है, इसलिए हमने 1/2 टीस्पून डाला है। मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें उबला हुआ चना मिक्स कर देंगे और चने में जो हमने पानी डाला है उसे सूखने तक हम चने को कुक कर लेंगे। ये देखिए पानी सूखने लगा है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने टमाटर डाला है इसलिए अमचूर पाउडर नहीं डाला है। अब ढककर इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक होने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और हमारा चना भी रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम फिर से एक पैन रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। सूजी गोल्डन ब्राउन होने लगा है और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, यानी कि जितना हम सूजी डालेंगे उतना ही हम चीनी भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तुरंत इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। जितना सूजी है उसके दुगुना हम पानी डालेंगे। इससे हमारा हलवा खिला खिला बनेगा और दानेदार बनेगा। अब मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए हलवे को सूखने देंगे। हलवे का पानी देखिए सूखने लगा है। इसे हम लगातार चलाएंगे नहीं तो तले में पकड़ लेगा। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई या फिर नॉनस्टिक पैन हो तो उसी में हलवा बनाएं, या फिर लोहे की कढ़ाई हो तो उसमें बनाए हलवा बहुत अच्छा बनता है। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून घी फिर से मिला देंगे, जिससे हलवा और भी अच्छा बनता है और हलवे में चमक आ जाती है। अब घी को मिक्स कर देंगे। हलवा रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर इसे ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी कच्चा कच्चा दिख रहा है वो पक जाएगा और खिला खिला दिखेगा। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम कवर हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार हुआ है।
अब चने में हम कटी हुई धनिया पत्ती मिक्स कर देंगे क्योंकि हम पहले भूल गए थे, और हलवे और चने की प्लेटिंग कर लेंगे। महाअष्टमी नौमी प्रसाद हलवा चना की रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि और भी नई नई रेसिपीज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे चैनल पे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय।